नमस्ते गुरु जी एंड जय गुरु जी। सब सारी संगत को मेरी तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है जो गुरु जी नहीं कर सकते। वह तो साक्षात शिव हैं और वह ही महाशिव हैं। गुरु जी तो डिवाइन लाइट हैं और सच्चिदानंद हैं। गुरु जी इस सारे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं में समाप्त हो जाता है। अपनी प्यारी संगत के कल्याण के लिए गुरु जी ने इस धरती पर शरीर रूप में जन्म लिया, पर वह कभी इस फिजिकल फॉर्म में बाउंड नहीं थे। अपनी प्यारी संगत के परोपकार के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया और अभी भी करते आ रहे हैं। गुरु जी के कल्याण का जितना भी गुणगान किया जाए उतना ही कम है। शिव पुराण में भी लिखा है कि गुरु रूप ही शिवलिंग स्वरूप है। इसलिए जब उन्होंने कहा कि तैनू पता है कि मैं अपने शरीर दे एक एक अंग नू अलग कर सकता हाँ, तो मन में यही बात आती है कि ऐसा क्या है जो गुरु जी नहीं कर सकते। वे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। यह सब उनकी ही लीला है और कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं है। बस हम लोग सिर्फ हर पल उनका शुक्राना ही कर सकते हैं। थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका एंड जय गुरुजी। और सोनिया मल्होत्रा आंटी जी ने अपने सत्संग में इस वचन को बहुत अच्छे से नरेट किया है, तो मैं तो मुझे इतनी समझ नहीं है, पर मैं कुछ खास नहीं बोल सकती और मैं बहुत नर्वस भी हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम ही जूम पे बोल रही हूँ। पर मैंने अपने मन में जो था थोड़ा बहुत वो आप सबसे शेयर किया। तो थैंक यू संगत जी एंड थैंक यू गुरु जी। अंकल अब मैं शुरू कर सकती हूँ सत्संग? हाँ जी, हाँ जी आंटी, प्लीज। अच्छा, जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी एंड जय गुरु जी। सब सब प्यारी प्यारी संगत को मेरी तरफ से, और प्लीज आप सब लोग मुझे माफ करना, मैं कभी ऐसे बोलती नहीं हूँ, तो मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे शुरू करूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे गुरु जी से मिली इस जन्म में। वैसे तो गुरुजी से बहुत जन्मों के सबके रिश्ते हैं अपने अलग अलग, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अप्रैल 2003 में फर्स्ट टाइम गुरुजी को एम्पायर स्टेट में उनके दर्शन हमने किए थे। और सबसे बड़ा शुक्राना मैं उन आंटी कुकी आंटी को करना चाहती हूँ जो मुझे वहाँ पे लेके गए थे, क्योंकि अगर वो ना ले जाते तो हम शायद कभी गुरुजी को मिल ही ना पाते। तो वो भी मेरे बेटे को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और मेरी डॉटर इन लॉ कुकी आंटी की नीस है। तो कुकी आंटी ने कहा कि हमारे एक गुरुजी हैं, वो हीलर हैं, तो आप लोग उनके पास चलिए तो वो ज़रूर सब ठीक करेंगे। तो पहले जिस दिन जाना था उस दिन हम लोग जा नहीं पाए, तो खाली मेरा बेटा और डॉटर बहू वही दोनों उनके साथ गए। तो जब वो उन्होंने माथा टेका तो कुकी आंटी ने उनको बताया मिलाया कि वो कौन है, तो उन्होंने उनको कहा कि अपने मम्मी पापा को लेके आना अगले हफ्ते। तो नेक्स्ट वीक फिर हम भी उनके साथ गए, और जब हम एम्पायर स्टेट के अंदर एंटर हुए और जब जिस घर में गुरुजी थे वहाँ जब हमने एंटर किया और गुरुजी के आगे माथा टेका, तो बस ऐसा कुछ खिंचाव उनको देख के, उनके साथ ऐसा कुछ लगाव हो गया कि जैसे तुम वहाँ से हट ही नहीं सकते थे। और गुरुजी ने भी हमको इतने प्यार से वेलकम किया और हमको बैठने को बोला, और उसके बाद वहाँ पे जैसे हमको कहा गया था कि चाय प्रसाद मिलेगा और
उसके बाद लंगर होता था, तो ये सब हम कुकी आंटी की गाइडेंस में हम करते रहे। और उसके बाद से उन्होंने हमको बोला कि आंदे रहा करो, तो बस आंदे रहा करो को पकड़ लिया और हर हफ्ते हम चले जाते थे वहाँ पे गुरुजी के दर्शन के लिए। और वहाँ पे जाके इतना अच्छा लगता था, जब बेटा भी तब जाता था, और क्योंकि ग्रैंड चिल्ड्रन छोटे थे तो वो लोग कम जाते थे, पर फिर भी कभी कभी हम उनको ले जाते थे, तो वहाँ पे इतने प्यार से गुरुजी में बिठाते थे। और फिर हम लंगर के लिए हमारी कोशिश होती थी कि हम फर्स्ट लंगर वाले बैच में नहीं बैठें, क्योंकि हम वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे, तो हम बाहर चले जाते थे और मोस्टली थर्ड उसमें हम बैठते थे। तो उन्होंने जैसे उनको पता था गौरव मेरा बेटा है उसके बारे में कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो वो जैसे जैसे हमें गाइड करते थे या जो जो हमसे कहते थे हम वैसे ही करते गए। उन्होंने कभी ओम का पेंडेंट बना के बोला बनाने को और उसको ब्लेस करके उसको पहनाया, और कभी कुछ और उपाय करने को बोला, और शिव पुराण भी उन्होंने खुद से अपने हाथों से लिख के और मुझे ब्लेस करके दिया कि इसको पढ़ा करो, और गौरव के लिए लोटा भी ब्लेस करके दिया। तो ऐसे हम लोग हर हफ्ते जाते रहे और वहाँ पे लंगर भी खाते थे। तो कभी कभी हमको वो आज्ञा लेने भी जाएं तो वो वापस बिठा देते थे कि चाय पी के जाना, और फिर दोबारा बिठा देते थे। कई बार दो दो तीन तीन बारी हमको चाय प्रसाद मिल जाता था और हलवा प्रसाद मिल जाता था, और गुरुजी जब दूसरा प्रसाद भी देते थे तो इतना भर भर के मिल जाता था, और हमें वो सब वहीं खाना होता था। तो हम बाहर जाके पता नहीं कैसे इतना सारा प्रसाद खा लेते थे, और फिर भी हमें कुछ भी नहीं होता था, अनकंफर्टेबल फीलिंग कुछ नहीं होती थी। और इतना पता नहीं वो ऐसा टाइम था, इतनी एंजॉय, इतना अच्छा और इतना प्यार हमें वहाँ से मिला, मैं उसका बखान नहीं कर सकती। पर मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मुझे ये सब करने का मौका मिला। फिर ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन लेट नाइट उन्होंने हमको बैठाया हुआ था, और उन्होंने हाँ कभी कभी वो रात को अचानक से गुरुजी बोल देते थे कि चलो सब बड़े मंदिर, और हम सबको बड़े मंदिर ले जाते थे। और कभी कभी फिर वहाँ जाके चाय प्रसाद भी मिलता था, और वो हमारे साथ वहाँ पे कारपेट पे नीचे ही बैठ जाते थे और बात करते थे। कभी सेवा मिल जाती थी हाथ की, मुझे इतनी अकल भी नहीं थी कि उन्होंने जैसे अपना हाथ आगे किया, मैं सामने बैठी हूँ, कि इसका क्या मतलब है। तो मुझे कुकी आंटी ने इशारा किया कि आप आगे जाओ, वो आपको अपने हाथ दबाने के लिए कह रहे हैं। और मैं तो इतना मैं फटाफट आगे गई और उनके हाथ सेवा करी थोड़ी जितनी देर भी उन्होंने कहा। और मैं सोचती हूँ पता नहीं वो कैसा टाइम था वहाँ पे बड़े मंदिर में हॉल में गुरुजी के साथ बैठ के ये सब हम कर रहे हैं। और कभी कभी हमें फोन आ जाता था कुकी आंटी का कि गुरुजी ने कहा है कि लंगर लेके और बड़े मंदिर आ जाओ और थोड़े से हम लोग संगत वहीं पे लंगर करेंगे, तो वो भी हम चले जाते थे और बेटे को भी ले जाते थे, सब चले जाते थे, बहुत खुशी से जाते थे। तो ये सब चलता रहा। फिर एक दिन लेट नाइट उन्होंने हमको बिठाया हुआ था, बस थोड़े से ही लोग थे वहाँ एम्पायर स्टेट में सब, तो उन्होंने गौरव को आगे बुलाया और मुझे भी उसके साथ बुलाया, और उसको अपने सामने बैठाकर उसकी रिस्ट जैसे नब्स पकड़ते हैं ना वैसे उसका हाथ पकड़ा, और 5 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहे। और सब लोग इतनी चुपचाप, जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, मतलब सब जो भी वहाँ था सब ऐसे बैठे रहे, और मैं उनके सामने बैठी थी
और ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं हम कौन सी दुनिया में पहुंच गए। वो मैं नजारा कभी भूल नहीं पाई। तो 5 मिनट के बाद उन्होंने मुझे कहा, असीता तेरे पुत्र नू ठीक कर दिता, हुन तू जाने। तो उसके बाद से फिर उन्होंने कहा कि हफ्ते में 2 बार आया करो, गौरव को 2 बार लंगर खिलाया करो। तो हम लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते थे कि हम 2 बार उसको लेके जाएं, पर उसको कुछ अपनी प्रॉब्लम की वजह से, MS की वजह से वो नहीं जा पाता था। तो वहां से गुरुजी हमको उसके लिए लंगर भी दिलवाते थे कि उसको घर जाके लंगर खिलाओ। तो हम करते रहे ये सब। और जब भी गौरव के पीरियोडिकली जब भी उसके MRIs वगैरह होते थे तो डॉक्टर यही बोलते थे कि इसकी जो डिजीज है वो वहीं पे रुकी हुई है, आगे और प्रोग्रेस नहीं कर रही। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग थी जो उन्होंने पूरी फैमिली को इतनी हिम्मत दे दी और इतनी पॉजिटिविटी थी कि सब इस ऐसे टाइम से अपना आराम, किसी को महसूस नहीं होता था कुछ भी। बस ये सब चलता रहा और फिर गुरुजी ने महासमाधि ले ली। तो वो तो सबके लिए बहुत ही उदासी का टाइम था और हम लोग बड़े मंदिर जाते रहे रोज, पाठ में भी और भोग में, और फिर डुगरी भी गए और ये सब चलता रहा। उस समय तो बहुत ही सब ऐसी हालत में थे कि सबको लगता था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन गुरुजी ने भी एहसास दिलाया कि वो कहीं नहीं गए, वो हमेशा हमारे साथ हैं। वो आज भी हमारे साथ हैं और वो हर हर हालात से हमको निकलने के लिए हिम्मत देते हैं और हमेशा हमारी हेल्प करते हैं हर चीज में। हाँ, मैं एक चीज और बताना भूल गई, वो मैं बताना चाहूंगी कि गुरुजी के साथ हमने काफी, उन्होंने हमको बहुत घुमाया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। जैसे कभी दिल्ली से बाहर भी जाना होता था तो बस वो हमको कह देते थे कि या तो कोई कि यहाँ चंडीगढ़ जाना है, इतने बजे एम्पायर स्टेट पहुंच जाना, तो हम लोग पहुंच जाते थे वहां पे। तो उनके साथ हमने चंडीगढ़ में एक शादी भी अटेंड की और एक बार वो बद्दी डेंटल कॉलेज का ओपनिंग थी तो तब वो हमको अपने साथ लेके गए और वो हमें बताते थे कि कौन कौन हमारे साथ हमारी कार में आएगा दिल्ली से। तो वो सब लोग फिर हमारे साथ ही जाते थे और वहाँ रास्ते में इतना गुरुजी सबका ध्यान रखते थे कि जहाँ पे भी सब कार्स इकट्ठी जा रही हैं और जहाँ पे भी बीच में रुकना है तो वो खुद बाहर खड़े होके सब लोगों का देखते थे कि सब आ रहे हैं और सबको खाने पीने का सब कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो इतना प्यार और कौन कर सकता है आप बताओ, गुरुजी के सिवाय। ये सब चीजें जब याद आती हैं ना तो बहुत बहुत खुशी भी होती है, पर कई बार मन भी बहुत उदास हो जाता है क्योंकि हम गुरुजी को बहुत मिस करते हैं। लेकिन फिर अगले ही पल हमको ये एहसास दिल से हो जाता है कि हम उनसे जुड़े हुए हैं और वो हर पल 24/7 जैसे कहते हैं तो वो हमारे साथ ही हैं। और ऐसे ही जब कभी काम में या किसी भी चीज में इतनी तकलीफें आई, सबसे गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी हर चीज से हमें लड़ने की और बाहर निकलने की। एक बार बड़े मंदिर में एक आंटी ने मुझसे पूछा कि आप लोग कब से यहाँ आ रहे हैं, तो मैंने बोला बहुत साल हो गए। तो बोले फिर आपकी लाइफ में तो बहुत मिरेकल्स हुए होंगे, आप हमें कोई मिरेकल अपना सुनाओ। तो मैंने उनको यही कहा कि हमारी तो पूरी लाइफ ही मिरेकल बन गई जब से हमने गुरुजी के दर्शन किए, क्योंकि हमने हर मुश्किल समय भी हंस के बिता दिया। जहाँ जहाँ रोना आना चाहिए था हमें कभी रोना नहीं आया और गुरु जी ने हर हालात से हमें कैसे पॉजिटिवली कैसे फेस करना और हर चीज के लिए उन्होंने इतनी हिम्मत दी, इतनी हिम्मत दी और अभी भी दे रहे हैं कि हम वो सब कुछ कर सकें और उनके बताए रास्ते पर चल सकें।
अंकल अभी और बोल सकते हैं? आंटी आप शेयर करते रहे प्लीज। अच्छा अच्छा मैं आपको एक अभी कोविड टाइम का सत्संग बताना चाहती हूँ अपना। 2020 में अगस्त बिगिनिंग तक उस टाइम मेरा बेटा यहाँ पे था। हम उसको 2019 नवंबर में अमेरिका से लेके आए थे कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। तो वो लुधियाना में थे वो डॉक्टर, और तो हम उसको लेके आए थे। तो जब लेके आए फिर लुधियाना भी लेके गए और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। और दो तीन महीने के बाद दोबारा भी उसको ले जाना था लुधियाना। तो हम उसको दोबारा भी लेके गए मार्च में। और उसके बाद हमने सोचा था कि हम उसको वापस, वो अमेरिका जाना चाहता था क्योंकि उसकी फैमिली वहीं पे थी, तो इसलिए हमने सोचा था कि उसके बाद हम उसको छोड़ने जाएंगे। और लेकिन जब तक हम लुधियाना से मार्च में वापस आए तो यहाँ लॉकडाउन शुरू हो गया और उसके बाद ये कोरोना का सब स्टार्ट हो गया। तो हमको अगस्त 2020 में पूरी फैमिली को, मुझे, मेरे हस्बैंड को, बेटे को और एक अटेंडेंट भी हमारे साथ था घर पे, चारों को इकट्ठे ही कोरोना हो गया। तो जब हमारा टेस्ट, बुखार बुखार चल रहा था, तो जब हमारा टेस्ट हुआ तो हमारी बेटी, वो टेस्ट जिसने करना था उसको घर उसके साथ ही आई थी। और उसको थोड़ा डाउट था कि शायद पॉजिटिव ना निकले, तो इसलिए वो यही सोच के आई थी कि वो वहीं पे रुकेगी। और उसके बाद हम सबका पॉजिटिव आ गया कोरोना का टेस्ट। और तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग थी कि उन्होंने उसको पहले ही हमारे घर पे भेज दिया, नहीं तो बाद में तो हमारा अपार्टमेंट हमारी सोसाइटी वाले ने सील कर दिया था और किसी को भी वहाँ आना जाना अलाउड नहीं था, खाली वो ही सिर्फ अंदर हमारे साथ रह रही थी। तो मुझे क्योंकि मुझे सब बुखार भी बहुत तेज था और मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था, तो हमारे फैमिली डॉक्टर जिनको हम कंसल्ट कर रहे थे वो, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ज़रूरी है बहुत, क्यों, और क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए सब ज़्यादा सबको डर लगता है। और जिससे भी बेटी की बात होती थी या हमारी बात होती थी तो सब कहते थे कि इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था हॉस्पिटल जाने का, लेकिन मैं भी डर के मारे कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि मुझे भी था कि अब जैसे सब गाइड करेंगे वैसे डॉक्टर कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। तो मेरी बेटी मुझको हॉस्पिटल एस्कॉर्ट्स लेके गई और कहीं पे कुछ जगह अवेलेबल नहीं थी। और मैं गुरुजी को प्रे कर रही कि मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने इतनी बातें सबसे सुनी हुई थी कि कैसे हॉस्पिटल एक बार ही जाते हैं तो लोग बिल्कुल फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं और उनको मिलने नहीं देते, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और मुझे 102 बुखार उस टाइम था जब हम घर से गए थे। तो पर मैं पूरा रास्ता चुप रही और मेरी बेटी भी चुप थी, वो भी, मुझे पता है वो भी अंदर से यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी किसी तरह सब ठीक कर दें। तो हम जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां उन्होंने मेरा टेम्परेचर लिया, तो टेम्परेचर भी नॉर्मल था, और जब ऑक्सीजन लेवल लिया तो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ गया था। पर वो डॉक्टर जो वहाँ पे ड्यूटी में थे तो वो तो मुझे एडमिट करने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कहा सब पेपर वर्क वगैरह करते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए अंदर आईसीयू में गए। तो उतना टाइम हम दोनों बैठे थे, बेटी और मैं, तो वहाँ जो एक जो था एक लड़का जो ये टेम्परेचर और ऑक्सीजन वगैरह सब चेक कर रहा था, तो उसने बोला बेटी को कि आप आंटी को यहाँ बिल्कुल मत एडमिट कराओ, इनको ज़रूरत नहीं है, इनका सब कुछ ठीक आ रहा है और आप चले जाओ, और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव भी आएगा कोरोना का कि तब भी हॉस्पिटल में एडमिट मत होना। और उस डॉक्टर जो ड्यूटी पे था उसके बाहर आने से पहले हम फटाफट वहाँ से बाहर आ गए और अपने घर आ गए।
तो मैं गुरु जी को इतना शुक्राना किया इस बात का कि उन्होंने हॉस्पिटल से बचाया, और जो हमारे फैमिली डॉक्टर ने मेडिसिन और जो जो सब कहा वो सब हमने किया। और घर में तो हम जब घर आए तो घर आ गए, और ऐसे ही एक बार फिर से प्रॉब्लम मुझे हुई तो एम्बुलेंस तक घर में बुला ली थी, और फिर अपने घर में ही गुरुजी ने ऐसा वो रचा कि एम्बुलेंस कैंसिल हो गई और मुझे हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा, और घर में ही सब ऑक्सीजन का अरेंजमेंट हो गया और ऑक्सीजन घर में ही लग गई और हर चीज़ घर में ही हॉस्पिटल की तरह हो गई। और जो हम चार जने घर में बीमार थे कोरोना से, और गुरु जी ने ऐसे टाइम में भी बेटी को कोरोना से बचा के रखा। वो अपना मास्क वास्क पहने रहती थी, और हम लोग को इतना बुखार बुखार सब था कि हम अपने आप कुछ खास कर भी नहीं पा रहे थे, तो वो सबको जाके चीज़ें भी दवाइयाँ भी देती थी, खाना पीना सब देती थी, पर उसको गुरु जी ने इस सबसे बचा के रखा। तो ये कौन कर सकता है, सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे सब लोग ठीक हो गए, और वो भी उसका भी टेस्ट हुआ जो उसका नेगेटिव ही आया, तो तब वो अपने घर चली गई और हम लोग भी धीरे धीरे सब ठीक हो गए। तो शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। और हाँ, और एक चीज़ और को इस टाइम में जब उन्होंने हमको हॉस्पिटल जाने से बुलाया तो हमारे घर में इतनी अमृत वर्षा हुई कि आप मैं आपको बता नहीं सकती। तो हमने वहीं पे छोटा सा बस आपस में गुरुजी के शब्द लगा के और बेटी ने प्रसाद वगैरह बना के शुक्राना सत्संग भी किया छोटा आपस में ही, क्योंकि गुरुजी ने ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाए और इतनी चीज़ों से हमको बचाया कि जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना, मैं आगे पीछे बोल जाती हूँ, मुझे पता नहीं, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ करना इस बारे, और गुरु जी भी मुझे माफ़ करना। अच्छा, ये तो कोरोना का सब ठीक ठाक हो गया, और उसके बाद हम अपने बेटे को अमेरिका भी छोड़ने गए, और फिर वहाँ उसके साथ ही रहे हम 1.5 साल उसको हेल्प करने के लिए। और अब हम काफ़ी टाइम के, तो वहाँ भी हम रोज़ यूट्यूब में उसको उसके रूम में उसको एक सत्संग ज़रूर वो सुनता था, और सब शब्द वब्द सब चलते रहते, तो पूरा एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा, ऐसे लगता था कि हम गुरुजी के साथ ही सब रह रहे हैं। और सब घर के लोग, वहाँ भी हम आपस में सत्संग कर लेते थे कभी कभी, लंगर प्रसाद बना के, और सब आपस में बहुत अच्छा टाइम बीता वहाँ पे भी। तो अब मैं आपको वहाँ से आने का एक लेटेस्ट सत्संग ये सुनाती हूँ। मैंने वहाँ से 27 अप्रैल को चलना था यहाँ आने के लिए, और 26 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग अचानक ही, पता नहीं, मुझे एकदम से इतना ज़बरदस्त लूज मोशंस हो गए, और जिसमें खूब ब्लड ही ब्लड आता जा रहा था, तो मैं बहुत घबरा गई थी उस समय कि समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे अगले दिन ट्रैवल भी करना था, और मैं इतनी लगातार ये सब होने से बहुत वीकनेस भी हो रही थी, तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं बेहोश ही हो रही हूँ। तो मुझे फौरन एम्बुलेंस कॉल करके और हॉस्पिटल ले गए इमरजेंसी में, और उन्होंने रास्ते में ही ड्रिप वगैरह लगा दी, क्योंकि बीपी भी ड्रॉप कर गया था और बहुत हालत ख़राब सी हो रही थी। कि मुझे बाद में सबने घर में बताया कि मेरे डॉटर इन लॉ की मम्मी भी थी वहाँ पे, हम हेल्प कर रही थी, और मैं अंकल भी, कि हम लोग सब डर गए थे तुम्हें देखकर कि क्या हो रहा है। तो मुझे बस अब गुरुजी का पेन लॉकेट जो मैं पहनती हूँ, मैंने अपने हाथ में लिया हुआ था पूरा रास्ता, और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे एक बारी इंडिया ले चलो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को, और मेरी बेटी भी यहीं पे है, और मेरे कज़न्स, मतलब जो भी मेरे सब हैं, मैं उनको मिलना चाहती हूँ, मैं एक बारी बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, बस मुझे एक बार इंडिया ले चलो, फिर जो भी करना आप कर लेना। लेकिन
संगत जी, जब तक मैं हॉस्पिटल इमरजेंसी में पहुंची तो वो ड्रिप लगने से मेरी थोड़ी तबीयत बेटर होने लग गई, और वहां पहुंच के उन्होंने दुनिया भर के टेस्ट कर लिए, और ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और यूरिन टेस्ट, जो भी सब टेस्ट वहां हुए वो सब नॉर्मल आए, किसी में कुछ भी नहीं निकला, मतलब कोई कमी नहीं थी। और इवन सीटी स्कैन जो एब्डोमेन का हुआ उसमें भी कुछ नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल था। तो और मेरे को वहां जाके मेरे को वो लूज मोशंस भी बंद हो गए, तो वो लोग भी सब बड़े हैरान थे कि मैंने जो सबने बताया था मैंने उनको, और जो वो लिख रहे थे कि क्या क्या हुआ, तो अब तो उसका कोई सिम्टम ही नहीं दिख रहा। तो फिर वो सब पूछते हैं कि पूरी हिस्ट्री की, आपने इन दिनों में क्या खाया, क्या क्या किया या क्या नई चीज खाई। तो तब मैंने उनको बताया, क्योंकि पहले मुझे इस बात का ध्यान नहीं आया था कि मैंने एक शोल्डर पेन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर मेरे को ऑर्थोपेडिक सर्जन ने दिया था खाने को, तो उससे मुझे वो एक गोली खानी होती थी रोज, तो उससे मुझे फर्क पड़ जाता था। तो मैं रोज, ये उसने बताया नहीं कि कितने दिन खानी है, और मुझे भी, मैंने भी पूछा नहीं, तो मैं 10 दिन लगातार वो दवाई खा रही थी। तो तब वह डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में बताया कि उस दवाई का ये मेजर साइड इफेक्ट यही है कि उसमें लूज मोशंस विद फ्रेश ब्लड आता है। लेकिन नॉर्मली तो सोचते हैं ना कि कोई अल्सर होगा, वो ब्लीड कर रहा है, ये इसीलिए ऐसे हो रहा है। तो क्योंकि मेरे सीटी स्कैन में कुछ निकला नहीं, सब कुछ नॉर्मल था, तो वो डॉक्टर ने कहा कि हम अब आपको, वैसे तो आपकी कोलोनोस्कोपी या एंडोस्कोपी सब करनी पड़ती, पर क्योंकि आपको सब कुछ नॉर्मल आया तो हम आपको हॉस्पिटल में अब नहीं रखना चाहते। तो पूरा दिन मैं वहीं थी, तो शाम को उन्होंने हमको घर भेज दिया। तो अब घर में भी सब लोग कहने लगे कि ये आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो अगले दिन आप कैंसिल कर दो प्रोग्राम, जब ठीक हो जाओगे तो जाना। तो मेरे को था कि नहीं, मुझे जाना ही है। तो मैं भी गुरुजी को प्रे कर रही थी कि गुरुजी मैं नहीं जानती, पर आप मुझे लेके चलो, आप ही मुझे लेके चलोगे अपने साथ, और आप ही मुझे लेकर आओगे, और आप मानेंगे संगत जी। सब पूरी फैमिली नहीं चाहती थी, पर जब उनको लगा कि मैं भी, मेरे में भी हिम्मत है, और फिर सब मान भी गए कि अच्छा ठीक है आप जाइए, और हमारे वहाँ भी एक हैं डॉक्टर जान पहचान के, तो उन्होंने तब कहा कि ये डॉक्टर की गलती है कि जब इतना स्ट्रॉन्ग पेन किलर देते हैं तो उसमें एंटी एसिड टैबलेट्स भी देते हैं जो उन्होंने मुझे नहीं दी थी, तो उन्होंने वो भी मुझे दी और लूज मोशंस के लिए भी दवाई दी, और बोला कि आप ये सब दवाइयाँ खाओ और अपने साथ रखो, और बस आप चले जाओ आराम से, अगर आप में हिम्मत है ट्रैवल करने की तो आप जाओ। तो मैंने मैं मेरे में हिम्मत थी, मुझे गुरुजी मेरे साथ थे, और उनकी वो ही मुझे हिम्मत देते हैं हर काम करने की। तो मैंने कहा नहीं मैं चले जाऊंगी, क्योंकि मैंने अकेले आना था इसीलिए सब लोग डर रहे थे, लेकिन मुझे डर नहीं था। और जब मैं वहां से चली, मेरी फिलाडेल्फिया से दोहा फ्लाइट थी, तो दोहा तक वो 3 सीट्स थी, तो मैं आइल सीट में थी और एक विंडो सीट में एक अंकल थे, और बीच की सीट बिल्कुल खाली थी। तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि गुरुजी ही मुझे लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो मेरे साथ बैठ के जा रहे हैं। तो वो इतनी लंबी फ्लाइट थी, लेकिन उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने सब कुछ खाया भी, अपनी दवाई भी खाई, और बहुत आराम से मैं आई, और उसके बाद मैं दोहा से दिल्ली भी आराम से पहुंच गई। और ये यहाँ आके चाहे अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट किया, उसने दवाइयाँ दी, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। सब ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है जो उन्होंने अपनी कृपा हम पर करी, और सब कुछ इतने आराम से हो गया। मैं जितना भी उनका शुक्राना करूँ वो कम है, और मैं, मेरे पास शब्द नहीं है बोल कहने को कि क्या क्या वो करते हैं। मतलब छोटी से छोटी चीज में
तुम्हारी हर बात पूरी हो जाती है। तुम अभी मन में सोच रहे होते हो और वो हो मतलब वो पूरा कर देते हैं। चाहे कुछ खाने का भी मन होता है, तुम अकेले होते हो, तुम्हारा कुछ भी मन कर रहा होता है, तो पता नहीं कहाँ से वो मेरे लिए वही चीज आ जाती है, कोई ना कोई लेके ही आ जाता है, जैसे गुरु जी ने उसको भेजा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। हाँ, एक सत्संग और मैं शेयर करूंगी, वो जनवरी 2022 का है। तब हम अमेरिका में ही थे और हमारी छोटी ग्रैंड डॉटर को कभी कभी बस मिस हो जाती तो स्कूल छोड़ने भी सुबह जाते थे कार से। तो ऐसे ही एक बार मैं भी साथ चली गई कि हम वहाँ पे अपना कुछ मार्केट से भी काम कर लेंगे और उसको स्कूल छोड़ देंगे। तो हम उस दिन थोड़ा लेट हो रहे थे, तो अंकल ही ड्राइव कर रहे थे कार और मैं पीछे बैठी थी और वो आगे बैठी थी। और अब हम उसके स्कूल बिल्कुल पहुँचने ही वाले थे, बस एक ट्रैफिक लाइट जो उसकी क्रॉसिंग पे थी और वो थी, उस पर काफ़ी भीड़ थी। तो इन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा राइट लेन से निकाल के और आगे चले जाऊंगा तो मेरे को चांस मिल जाएगा। जैसे ही निकालने लगे, पता नहीं पीछे से कोई गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी थी एसयूवी टाइप, वो काफ़ी तेज आ रही थी। तो वो उसने देखा कि ये राइट में आ रहे हैं और वो काफ़ी स्पीड में था, पर हमें बचाने के लिए उसने अपनी गाड़ी, एक पोल राइट साइड में था, उसके पोल में जाके टकराई बहुत जोर से और हमारी गाड़ी को राइट साइड से वो टक्कर मारती हुई गई, लेकिन जैसे स्क्रेप करके जाते हैं, और खुद वो पोल से टकराया और बड़ा ज़बरदस्त हमें इतना मेजर झटका लगा, पूरी गाड़ी हिल गई, क्योंकि हमारी गाड़ी इतनी बड़ी नहीं थी और उसकी तो इतनी बड़ी थी, और वो पोल से टकराई और उसकी गाड़ी का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। और हमारी गाड़ी में भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरी ग्रैंड डॉटर जो राइट साइड में बैठी थी, वो उसी साइड थी जिस साइड एक्सीडेंट हुआ, उसको खाली एक झटका लगा, क्योंकि वो भी सीट बेल्ट पहनी होती है तो इतना ज़बरदस्त नहीं था, और कुछ भी चोट क्या एक खरोंच तक नहीं आई। और मैं पीछे बैठी थी तो मैंने तो सीट बेल्ट भी नहीं पहनी हुई थी, मुझे भी झटका ही लगा लेकिन कोई चोट नहीं आई, और अंकल को भी चोट नहीं आई। और ये गुरुजी ने खुद बचाया हमको, चाहे उसकी कार का नुकसान हो गया काफ़ी ज़्यादा, मे बी इसमें उसकी भी कोई भलाई होगी और हमारी भी कोई भलाई होगी, जो हमारी कार को जो भी नुकसान हुआ, लेकिन किसी भी जने को जरा सी भी चोट नहीं आई। तो इसके लिए भी बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना। ये सब गुरुजी कर सकते हैं, उनकी लीला वो ही जाने कि वो कैसे किसको बचाते हैं। तो नुकसान में भी बचाव होता है और फिर भी सब अच्छे से ही उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। सब अपनी इतनी हमको प्यार और इतनी ब्लेसिंग्स देने का और हमेशा हमारे साथ रहने का, बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से कि कभी भी हमको छोड़ना नहीं। गुरुजी, हम तो इंसान बहुत गलतियाँ करते हैं और आपसे अपनी हर गलती की माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन आप हमेशा हमारा भला करते हो और हमको इतनी ब्लेसिंग्स और इतना प्यार देते हो कि इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आप ही सब कुछ हो, हमारे माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बच्चों की तरह आप हमको रखते हो बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।